सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार जिले के वन विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर संबंधित डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष के निर्देश पर वन कर्मियों की टीम ने मंगलवार को पुलिस प्रशासन के सहयोग से छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने ग्राम कुटमू के यमुना बैठा के घर से विभिन्न प्रकार के 5 पीस सागवान का बोटा और 6 फीट का 9 पीस पटरा बरामद किया है। बाद में बरामद सभी बोटा और पटरों को वन विभाग की टीम जब्त कर विभागीय वाहन से लादकर बेतला रेंज कार्यालय ले आई। इस बारे में रेंजर प्रेम प्रसाद ने इसकी पुष्टि करते हुए मामले की जांच कर इसमें शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बातें कही। कई जब्त लकड़ियों की कीमत बताने में उन्होंने फिलहाल असमर्थता जताई। इधर आरोपी यमुना बैठा ने खुद को निर्दोष बताते हुए वन विभाग द्वारा जब्त की गई लकड़ियों को अपने ही गांव के आनंद सिंह की रहती भूमि से बेटा जयप्रकाश रजक द्वारा गत दिसंबर माह में खरीदे जाने की बातें बतलाई। मालूम हो कि यमुना बैठा बेतला पंचायत के पूर्व उप मुखिया जयप्रकाश रजक के पिता हैं। छापेमारी अभियान में वनपाल उमेश दुबे, संतोष सिंह, बनरक्षी देवेंद्र देव, देवपाल भगत, निरंजन कुमार समेत बरवाड़ी पुलिस के जवान शामिल थे। बरवाड़ी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट।